ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में महाशिवरात्रि के धार्मिक पर्व पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाशिवरात्रि के पर्व पर पुराने बस स्टैंड प्रेरणा मंच पर जिला प्रशासन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में कोविड संक्रमण काल के दौरान पिछले 2 वर्षों से तीर्थ नगरी में किसी भी धार्मिक आयोजन के नहीं होने के कारण सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन कोविड-19 के खत्म होने और प्रतिबंध हटने के बाद एक बार फिर तीर्थ नगरी में रौनक आई है। भारी संख्या में श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग दर्शन व नर्मदा स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर पुनासा SDM चंद्र सिंह सोलंकी व SDOP मुंदी राकेश पेनरोप व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। कोटी तीर्थ घाट पर नौका संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। मंदिर प्रशासन एवं नगर पालिका के माध्यम से तथा मंदिर में दोनों तरफ से दर्शन की व्यवस्था रहेगी तथा मंदिर परिसर के आसपास जल एवं छाया की व्यवस्था भी रहेगी तथा हमारे जो रेवेन्यू पुलिस और मंदिर की टीम है वो पूरे 24 घंटे लगातार ड्यूटी करेगी तथा हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे श्रद्धालुओं को दर्शन हो तथा जो सुबह 4 बजे से दर्शन होगा उसमें हम लोग अच्छे से दर्शन की व्यवस्था बिल्कुल की है। ये तो पार्किंग व्यवस्था जो है उसमें काफ़ी व्यवस्था लगाई गई है, इसमें काफ़ी जगह जो पार्किंग व्यवस्था क्लियर नहीं थी उसको क्लियर करवाया जाके, और क्योंकि रात्रि में और दिन में भी जो है मंदिर खुला रहना है इसलिए लगातार 24 घंटे आना जाना रहेगा। पार्किंग व्यवस्था बहुत दुरुस्त की गई है, डाइवर्सन आदि की व्यवस्था भी की गई है और जो नागर घाट के पीछे तरफ वाला जो रास्ता उसको बंद किया गया है ताकि उस तरफ से अनावश्यक जमावड़ा ना हो। दूसरा जितने भी घाट हैं वहाँ पर भी गोताखोर आदि की व्यवस्था की गई, सभी घाटों में बल लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के द्वारा, एवं जो मंदिर व्यवस्था है उसमें भी 3 शिफ्ट में बल लगाया गया है। सभी जगह जो संपूर्ण व्यवस्था है वो लगाया।